मैं ये ऐसी बात नहीं कह रहा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी प्रमोशन के लिए और अल्लाह मुझे दयाकारी से बचाए कि जब आप कुरान मजीद को आप स्टार्ट करते हैं एक लफ्ज या अलिफ लाम मीम कुछ कुरान मजीद के अल्फाज ऐसे हैं जिसे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को पता है उनकी मीनिंग बड़े बड़े स्कॉलर नहीं कह सकते ये अलिफ लाम मीम उन अल्फाज आगे है ला है बफी वो बड़ा कॉन्शियस किया जाता है जब हम बात करते हैं किसी से तो पहले हम उसको अटेंशन देने के लिए कहते हैं या फिर एक बात को गौर से सुनना जो अल्लाह ताला पहले ये अल्फाज में कह रहे हैं ला है बफी खबरदार जो किताब पढ़ने जा रहे हो इसमें शक न करो कुछ शक फिर आगे अल्लाह ताला को माता मतलब मतलब पूरा है असल में कुरान मजीद का जो मकसद था हमारे पास ये किताब इसको हमने सिर्फ सवाल की बातें रखा हुआ हमारे परिवार किताब की है हमारे मौलाना साहब की है कई जगह किताब पढ़ते हैं कितने जी सुबह क्या पढ़ाए जी कुरान मजीद पढ़े अच्छा उसमें क्या लिखा हुआ था कोई पता नहीं मैं आप सब बच्चों को ये कहूंगा कि आप अपनी रूटीन बना लें आप सबको माशाल्लाह आता हूं अगर किसी के पास नहीं है तो मैं आज इतनी बड़ी बात करने जा रहा हूं मुझे बड़ी सादत है मुझसे बतौर गिफ्ट दे दें तर्जुमे वाला जिसको जिस मसलक का चाहिए ये नहीं है कि मैं कोई अपना नजरिया या कुछ खुला पाठ जो आप जिस मसलक से आप आपका बस क्या चांद आया उसकी पढ़े उसका तर्जमा पढ़े उसकी तफसीर पढ़े और अपने आप में पूरे सात या दस कुरान मजीद खत्म करने से ज्यादा है उसके बाद जो हरिंद साहब ने कहा कि दुनिया जारी की किताब एक किताब है प्रमोट बैटर एक है जो राइटर इंडिया राइटर है और उसका तर्जमा किया है इसने यासर जवान ने वो है कामयाबी का सबक इंसान कामयाब कैसे होता है नाकाम और कामयाब जो इंसान है